Time after he was sworn in as the Gujarat's Chief Minister, Narendra Modi today met the Prime Minister Manmohan Singh at 7 RCR. However, the Gujarat Chief Minister dodged questions on being in the Prime Minister's race, adding that the meet was nothing but a courtesy call. नई सरकार बनने के बाद पिछले में नई सरकार बनने के बाद पिछले में राष्ट्रपति जी से मिलने आया था। आज मैंने नई सरकार के बनने के बाद प्रधानमंत्री जी को मिलने आया था। बहुत ही अच्छी मुलाकात रही, काफी देर तक बातें हुई, अनेक विध विषयों पर बातें हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के विकास के लिए, नई सरकार के लिए, सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। गुजरात ने भी भारत सरकार के जनता के हित के जो भी काम होंगे उसमें हम पूरी शक्ति से मदद करेंगे, ये आश्वासन दिया है। समय काफी था, काफी देर बातें हुई, तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को एक मेमोरेंडम भी दिया है। प्रमुख रूप से गुजरात में नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध है उस पर गेट लगाने का काम कई वर्षों से अटका हुआ है, हो सके उतनी जल्दी गेट लगाने की परमिशन मिले। गुजरात में किसानों को पानी पहुंचाने के लिए नर्मदा का जो कैनाल नेटवर्क का काम चल रहा है उसको भारत सरकार के जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के मुताबिक गुजरात का भी अधिकार बनता है। भारत सरकार से मैंने उनसे आग्रह किया है कि जो देश के अन्य राज्यों को जो लाभ मिलता है वो गुजरात को भी मिलना चाहिए। भारत सरकार के साथ एक हमारा कानूनी जंग चल रहा है। दिल्ली को जिस दाम से गैस मिलता है, मुंबई को जिस दाम से गैस मिलता है, गुजरात को वो दाम से गैस नहीं दिया जाता था। हम कोर्ट में गए थे, कोर्ट में हम जीत गए थे। केस जीतने के बाद 6 महीने हो गए तो भी कोर्ट के हुक्म का भारत सरकार पालन नहीं कर रही, तो हमने कंटेम्प्ट पिटीशन डाला। तो कोर्ट के हुक्म को मान करके गुजरात को मुंबई और दिल्ली के हिसाब से गैस देने की बात को स्वीकार करने के बजाय भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और निर्णय को डिले करने के खेल चल रहे हैं। मैंने अपनी नाराजगी प्रकट की है, कई विषयों पर इस प्रकार से चर्चा की है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि इन सारे कामों को वो स्वयं देखेंगे और हो सके उतना जल्दी निर्णय करके जनता के हित के काम आगे बढ़े, उसके लिए वो मदद करेंगे।